इस तक्वा की वजह से और रोजे की अमल की वजह से इंसान फरिश्ते के करीब हो जाता है। अल्लाह ताला ने रमजान का इंतखाब इसलिए किया कि जब मैं कुरान पढ़ूं तो बशर में बशर सिफात की बजाय मलाकुत की सिफात जो है वो छाई हुई हूँ और वो मेरे कलाम को कबूल करने के काबिल। यही वजह है कि जब इंसान मलाकुत की सिफात के साथ कुरान को पढ़ता है तो फिर कुरान को पढ़ता नहीं है बल्कि कुरान उस पर उतरता है। जैसा कि बुजुर्गों ने कहा, अल्लामा इकबाल भी लिखते हैं ना कि मैं सुबह के वक्त कुरान की तिलावत कर रहा था तो मेरे वालिद साहब गुजरे, पूछा इकबाल क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा अब्बा जी कुरान पढ़ रहा। अगले दिन फिर पूछा इकबाल क्या पढ़ रहे हो? अब्बा जी कुरान पढ़ रहा। तीसरे दिन फिर पूछा, इकबाल ने कहा कि अब्बा जी आपका पता तो होता है मैं कुरान पढ़ रहा, पूछते क्यों मैं ये क्या पढ़ रहे हो? तो अब अल्लामा इकबाल के बारे में गिरामी ने जवाब क्या दिया कि बेटा कुरान इस तरह पढ़ना चाहिए कि कोया कुरान तुम्हारे सीने
ये सीने पे का उतरता है कि जब इंसान के अंदर बल अपना किसी मांग में नहीं पैदा होती है, फरिश्ता वहां से लेता है। सुभान अल्लाह। जब इंसान के अंदर मल अपना किसी बात पैदा होती है तो फिर गोया इंसान की वहां से लेता है, फिर वो किसी से लेकर नहीं पड़ रहा होता, बल्कि उसके बाद अल्लाह की बारगाह से उसके सीने पे डाल देते हैं। और वैसे भी देखें वो जो तहज्जुद का बयान है ना, कि तहज्जुद में इंसान क्या करता है, नींद को छोड़ के आता है, नफ्स की मरम्मत करता है, बोलिए नफ्स की मरम्मत करके आता है। फिर मौला क्या बताता है कि इन्ना नाशिअत अल-लैल या अशद्दु बत्अन फअक्वमु क़ीला। तहज्जुद की दो खूबियां अल्लाह पाक ने बयान की कि वो जो तेरा रात को उठना है और मुसल्ले पे आना है, एक तो उसमें नफ्स की मुरम्मत खूब होती है, नफ्स की मुरम्मत, दूसरा इंसान की जुबान से बात सही सही निकलती है, इंसान के मुंह से बात सही सही, क्योंकि बात को खराब करने वाला कौन है, नफ्स, और उसकी हो गई है मुरम्मत, वो हो गया है कमजोर, वो हो गया है तो वह अब तो बहुत मुकीला, अब तो तेरी जुबान से निकलेगा ना वो बड़ा सीधा होगा और इतना सीधा होगा कि बराह रात दिन बारगाह में कबूल होगा। सुभान अल्लाह। अब रमजान के महीने में जब इंसान ने सिर्फ नींद को नहीं छोड़ा, खाना भी छोड़ा या पीना भी छोड़ा, दवाई ताल्लुकात भी छोड़ दीजिए, तो नफ्स की क्या हो, नफ्स की हो मुरम्मत हुई। इस मुरम्मत का तो फायदा क्या होता है कि अब जब वो कुरान पढ़ेगा ना तो कुरान सही सही उसके सीने में उतरता चला जाएगा, वो कुरान के समुद्र में गर्क होकर कुरान के मोती कुरान के जवाहर हैं उन्हें लूटता चला जाएगा, और अल्लाह का जो मंशा है वो उसके दिल पे बात होती चली जाएगी। इसलिए अल्लाह पाक ने नुज़ूल कुरान के लिए किस महीने का इंतखाब किया, तो फिर इस महीने में कुरान पढ़ना भी सुनना भी सुन्नत खुदा का ताल्लुक हो जाएगा। इसलिए हमारे इमाम आलम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक महीने में 61 बार कुरान पढ़ा। उसका तरीका क्या था, एक कुरान दिन में पूरा पढ़ना और एक कुरान रात में पूरा पढ़ना, और वो मेरे आदमी थे इमाम आजम, लोगों के साथ मिलना जाना भी है, लोगों को मसाइल भी बताना है, लोगों के साथ उनके हुकूक भी पूरे करने, कारोबार भी करना, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। एक कुरान दिन में पढ़ रहे और एक कुरान रात में, 30 दिन के हो गए और 30 कितने हो गए, और एक कुरान को तरावी में जैसे हम पढ़ते हैं इस तरह पढ़ते हैं तो कितने हो गए, इस तरह उन्होंने कुरान के साथ इस माह मुबारक में खास तौर पर कायम किया, तो हमें भी इस कुरान के साथ ताल्लुक इस माह मुबारक में खास तौर पर जोड़ना चाहिए कि जो बैर इस महीने में मिलेगा वो किसी और अल्लाह ताला हमें हम सब की छोटियों को बरकतों से محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين مولا ہم سب کی نماز عشاء کو نماز تراویح کو تلاوت و سماع قرآن کو اپنی باتیں قبول فرمائے مولا اس نمازی عشاء کا صدقہ نمازی تراویح کا صدقہ ماہ رمضان اور نور ساعتوں میں ان عبادتوں کا صدقہ مولا ہماری پوری زندگی کو پرنور فرما، تاریکیوں سے پاک فرما، ناپاکیوں سے پاک فرما، غلاظتوں سے پاک فرما، مولا ہر ہر سانس اپنے حقوق کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی پوری زندگی اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور نیکی پہ مولا استقامت عطا فرما، غفلتوں سے محفوظ فرما، سستیوں سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما،
हर बड़े बड़ा अदब करने और हर छोटे की शफकत करने की कोशिश करना फरमा असल सैयदना मौलाना मुहम्मद।